नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लास्ट नाइट कॉर्पोरेट वेबिनार काफी शानदार रहा। हम रियली बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। हम सभी फाउंडर्स बिल्कुल निश्चिंत रह सकते हैं, क्योंकि हमारा फ्यूचर, हमारे सपने बिल्कुल सही हाथों में है। जहाँ सफलता हमारी कदम चूमेगी, हमारे सभी सपने पूरे होंगे। हालांकि इस ऑर्गेनाइजेशन को इतना बड़ा होने से पहले बहुत सारे लोगों ने इसे कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन हम रुके नहीं, आगे बढ़ते ही रहे। दोस्तों, ये बातें सीईओ मिस्टर ऐश ने वेबिनार में आते ही कहा। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें अच्छी तरह से पता है वे कौन कौन है जिन्होंने हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। दोस्तों, पास्ट के बारे में सोचकर सीईओ मिस्टर ऐश का दर्द साफ साफ झलक रहे थे। बात भी सही है, अगर कोई इंसान हमारे भविष्य, कैरियर और सपनों के लिए जी जान से सब कुछ कर रहा हो, हम अगर उसी के बारे में कुछ गलत सोचे कहे तो जाहिर है कि उसे दर्द होगा। सीईओ मिस्टर ऐश ने इकोसिस्टम रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग भी बहुत कुछ कहा है। उन्होंने कहा कि चीजों को डिपली ना समझने की वजह से बहुत सारे फाउंडर्स वो फाउंडर के जरिए रजिस्ट्रेशन ना करके ऑन पैसिव डॉट कॉम के जरिए रजिस्टर करने लगे, जो स्पेशली कस्टमर्स के लिए प्लेटफॉर्म है। वो फाउंडर्स के जरिए भी रजिस्टर होने में कभी कभी दिक्कत हो रहा था। इन्हीं सारे प्रॉब्लम को देखते हुए हमारे टेक्निकल टीम ने जितने भी फाउंडर्स ऑन पैसिव डॉट कॉम पर रजिस्टर हुए हैं एंड जो वो फाउंडर्स के जरिए रजिस्टर हुए हैं, उन सभी रजिस्ट्रेशन को डिलीट कर दिया, रिमूव कर दिया, ताकि किसी भी फाउंडर्स को इसमें इंटर करने में कोई परेशानी ना हो। अब इस सिस्टम को कुछ इस तरह से तैयार किया जा रहा है कि फाउंडर सिर्फ वन क्लिक के साथ ही इसमें इंटर कर जाएंगे। उनके नाम, अकाउंट, अल्टरनेट ईमेल जो है, सब कुछ ऑटोमेटिकली फिल होके आएंगे। बस कंट्री एंड मोबाइल नंबर फिलअप करना होगा और आप बस एक क्लिक के साथ ऑन पैसिव इकोसिस्टम में इंटर कर जाएंगे। सीईओ ने कहा कि ऑन पैसिव इकोसिस्टम में हमारे 5 प्रोडक्ट्स हैं। आगे और भी प्रोडक्ट आने वाले हैं, जैसे वो कनेक्ट। उन्होंने कहा कि नेक्स्ट वीक से सारी चीजें और अधिक फास्ट होने वाले हैं। बहुत कुछ बदलने वाला है, बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट नजर आएगा। वहाँ बहुत सारे वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स होंगे, उसमें कुछ पैड प्रोडक्ट्स भी होंगे एंड कुछ फ्री प्रोडक्ट्स भी होंगे, जिससे क्रेडिट पॉइंट अर्न किया जा सकता है। दूसरे कम्युनिटी में दूसरे लोगों के बीच पैड प्रोडक्ट्स शेयर करके भी क्रेडिट पॉइंट अर्न कर सकते हैं। फाउंडर्स पहले यूजर्स को फ्री प्रोडक्ट के थ्रू लाएंगे, यानी फ्री प्रोडक्ट सबसे पहले शेयर करेंगे। फिर हमारी ऑन पैसिव मैनेजमेंट टीम उन सभी यूजर्स से कम्युनिकेट करेंगे, उन्हें एजुकेट करेंगे। सीईओ ने फाउंडर्स को प्रोडक्ट परचेज करने को लेकर कहा कि आपको जिस प्रोडक्ट का सबसे अधिक जरूरत हो, आप वही प्रोडक्ट लें एंड सभी फ्री प्रोडक्ट्स को एंजॉय करें। उन्होंने कहा कि जो भी प्रोडक्ट भी अवेलेबल हैं, वे सभी के सभी काफी पावरफुल है, और जो प्रोडक्ट्स आने वाले हैं वो भी काफी पावरफुल रहने वाले हैं। ये सभी के सभी प्रोडक्ट्स ओवर मार्केट वैल्यू रहने वाले हैं। दोस्तों, बहुत सारे फाउंडर्स लाख मना करने के बाद भी कुछ ना कुछ कंपनी के सीक्रेट चीजों को, जो कि पब्लिक के लिए नहीं है, सिर्फ फाउंडर्स के लिए है, उसे पब्लिकली शेयर करने से बाज नहीं आ रहे हैं। इसके रिगार्डिंग सीईओ ने स्पष्ट कहा कि ऑन पैसिव के किसी भी पेज को जो फाउंडर्स के लिए है, कोई भी वीडियो, कोई भी स्क्रीनशॉट पब्लिकली शेयर ना करें, यह कंपनी के रूल रेगुलेशन के विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि ये कोई मनी सर्कुलेशन गेम नहीं है, हम सभी सिर्फ वैल्यू पर फोकस कर रहे हैं। सीईओ मिस्टर ऐश ने फाउंडर्स के लिए एक और भी बहुत अच्छी बातें कही, जिससे फॉलो करना हम सभी फाउंडर्स का फर्ज है। उन्होंने कहा कि जो भी क्रेडिट्स अर्न होंगे, जो भी कमीशन होंगे एंड जो भी इनकम होगा, इसे कहीं भी पब्लिकली शेयर ना करें, क्योंकि ये सब पब्लिक के लिए नहीं है, ये सब प्राइवेट चीजें हैं। इसे सिर्फ फाउंडर्स को जानने का हक है, ये सब उन्हीं तक सीमित रहना चाहिए। इसके बाद सीईओ मिस्टर ऐश ने डॉक्टर सोहा को इंट्रोड्यूस कराया। डॉक्टर सोहा ने कहा कि हमारी दुबई टीम इंडिया गए हुए थे, उन्होंने वहां हैदराबाद टेक टीम के साथ मिलकर काफी हार्ड वर्क किए, उन्होंने सभी को इसके लिए थैंक्स भी कहा। सीईओ मिस्टर ऐश को उनके विजन एंड उनके मिशन के लिए धन्यवाद कहा। इसके साथ साथ हम सभी फाउंडर्स को भी थैंक्स किया
और कहा इनके सपोर्ट के बिना यह सब संभव नहीं था। डॉक्टर सोहा ने हैदराबाद टेक्निकल टीम को भी थैंक्स किया, जिसके सपोर्ट से, जिनके हेल्प से, मेहनत से ये ऑर्गेनाइजेशन इतना बड़ा बन पाया। फाउंडर्स के लिए डॉक्टर सोहा ने कहा कि बहुत ही जल्दी आपको लिंक मिलने वाले हैं। उस लिंक के थ्रू आप अपने सकल के लोगों को रजिस्टर करा सकेंगे। इकोसिस्टम में आप अधिक से अधिक कस्टमर्स अपने स्ट्रक्चर में ला सकेंगे। डॉक्टर सोहा ने सेल्स एंड मार्केटिंग के रिगार्डिंग कहा कि हम यहाँ प्रोडक्ट्स या सर्विस सेल नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर लोगों को, दुनिया को एक सॉल्यूशन दे रहे हैं, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसे इंटरनेट वर्ल्ड में लोग ढूंढ रहे हैं बट वो अवेलेबल नहीं है, उसे हम अवेलेबल करवाने वाले हैं। डॉक्टर सोहा ने हैदराबाद टेक्निकल टीम के बारे में बताया कि हमें सबसे बेस्ट चीजें बनाकर देने के प्रयास में उन्हें सोने तक का फुर्सत नहीं मिलता। वे काफी हार्ड वर्क कर रहे हैं, उनकी जितनी भी तारीफ की जाए वह कम है। उन्होंने अपना जी जान लगा दिया है हमारे विजन के लिए, हमारे मिशन के लिए, इनके बिना ये सब कदापि संभव नहीं था। डॉक्टर सोहा ने कहा कि दुनिया का कोई भी बड़ा बिजनेस, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी कंपनी एक दिन में नहीं बनता, एक दिन में खड़ा नहीं होता, उसमें समय लगता है। अभी तक जो भी हुआ है वो अकेले मेरे लिए या सीईओ मिस्टर ऐश के लिए बिल्कुल भी संभव नहीं था। इसमें पूरे टेक्निकल टीम एंड सारे फाउंडर्स के हेल्प एंड सपोर्ट की जरूरत थी। आज हम सफलता के इस लेवल पर है वो सभी के सपोर्ट एंड हेल्प की वजह से है, वरना बिना आपके सपोर्ट एंड हेल्प के ये सब कर पाना संभव नहीं था। उन्होंने यह भी कहा कि दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। ऑन पैसिव के माध्यम से डॉक्टर सोहा ने हमारे मोटो के बारे में बताया कि इसके मोटो है कि हमें अकेले सक्सेस नहीं होना है, हमें सबके साथ सक्सेस होना है, कामयाब होना है। सीईओ मिस्टर ऐश ने कहा कि अब चीजें डे बाय डे चेंज होते हुए नजर आएंगी, पहले से अधिक बेहतर नजर आएंगे। दिसंबर के फर्स्ट वीक में ही हमारा जबरदस्त प्रोडक्ट वो कनेक्ट आ रहा है जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार है। 5 दिसंबर के बाद से बहुत सारे नजारे बदलने वाले हैं। हमारा टेक टीम लगातार काम कर रही है, बस भरोसा रखें, हमारे सैकड़ों प्रोडक्ट आने वाले हैं और एक एक प्रोडक्ट काफी जानदार है। हमारा प्रोडक्ट जब रनिंग में आएगा तो एक प्रोडक्ट ही फाउंडर्स के सपनों को पूरा करने में सक्षम होगा। सोचिए जब एक प्रोडक्ट में इतना क्षमता होगा तो सारे प्रोडक्ट मिलकर फाउंडर्स की वैल्यू को किस लेवल पर ले जाएगी। हमारे सीईओ ने जो कहा फाउंडर्स की सफलता के लिए वो सभी पूरा होते जा रहे हैं, बस पेशेंस रखने की जरूरत है। कुछ फाउंडर का सवाल है, पहले कहा गया था ट्रैफिक ऑटोमेटिक जेनरेट होगी, लेकिन अभी लिंक शेयर करने पर क्यों जोर दिया जा रहा है? जिस फाउंडर को टेक्नोलॉजी का ज्ञान है वो अच्छा खासा बिजनेस कर पाएंगे और जिनको टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं है वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो फिर सब लोग कैसे विजेता बन पाएंगे? दोस्तों ये सारी बातें अपने दिमाग से निकाल दीजिए। जो कुछ बोला गया था वही हो रहा है और आगे भी होगा, सब ऑटोमेटिक ही होगा। अब हम कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर भी है तो हमारा कुछ कर्तव्य भी बनता है, हमें भी कंपनी का प्रचार करना चाहिए। कंपनी को जो करना है वो तो कर रही है और आगे भी करेगी, हमें भी अपने स्तर पर लोगों को बताना चाहिए। जो लिंक शेयर नहीं कर पाएंगे वो भी विजेता है। हाँ, जो लिंक शेयर करेंगे तो जाहिर सी बात है उन्हें कुछ एक्स्ट्रा इनकम होगी। धन्यवाद, जय हिंद। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।